तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस पीसीबी बोर्ड के बारे में बताएंगे। तो पीसीबी जैक है ये दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि कौन सी पिन कहाँ लगी होती है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो 5 पिन है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपकी 5 पिन एक तार में जुड़ी होती है। यहाँ से लेके यहाँ 5 पिन तक एक तार में जुड़ी होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक तार में जुड़ी होगी, ठीक है। तो इसमें एक न्यूट्रल हो जाता है, स्थिर वाला, और ये स्थिर वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तीरे का समझ गए हैं, क्योंकि इसमें लग दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही दिया रहता है दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पिन एक तार में जुड़ी होती है, और एक पाँच पिन एक तार में जुड़ी होती है। तो ये अलग अलग हो जाता है, बीच से खंडित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बैटरी फंसाएंगे तो यहाँ तक करंट आएगा, 5 पिन के बाद कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से और यहाँ से आपको एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देख सकते हो 5 होल है खड़ा खड़ा। तो ये 5 होल एक है, फिर ये 5 होल एक है, फिर ये 5 होल एक है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी खड़ा खड़ा है, ये खड़ा खड़ा नहीं होता है, आपसे गलती हो जाएगी। ये बेड़ बेड़ ही 5 5 होता है, ठीक है। तो इसमें से जब इसमें और इसमें आप वायर फंसा देंगे तो यहाँ तक 4, यहाँ तक 4 आएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कनेक्शन होता है, तो ये बहुत यूजफुल पीसीबी होती है दोस्तों, तो आप इसका यूज कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। आप इसमें एसी करंट दे के लोड देंगे तो ये जल जाती है, बगैर आप डीसी करंट में आप किसी भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।